ईटीवी भारत की टीम प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता के मन की बात जानने की कोशिश कर रही है और हम लगातार अलग अलग इलाकों में चाय की दुकानों पर जाकर लोगों से चर्चा कर रहे थे, उनके मन की बात जान रहे थे और आज हम इसी कड़ी में आए हैं हंडिया विधानसभा में और आज हम यहाँ पर एक खेत में पहुँचे हैं। यहाँ पर धान की फसल काटी जा रही है और जो ग्रामीण फसल काटने में लगे हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हंडिया विधानसभा में कितना विकास हुआ है, विधायक ने क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। जी बताइए। यहाँ का जो विधायक है हाकिम लाल बिंद, यहाँ पे 5 साल के कार्यकाल में यहाँ कभी नहीं आए हैं, न तो आए हाल चाल जानने के लिए। और रोड इतना टूटा हुआ है कि आप चल के खुद देख सकते हैं, इतना टूटा हुआ है। एक बाइक अगर लेकर दिन भर राउंड करे तो पंचर ही हो जाएगा, इतना टूटा कहीं का। यहाँ इस तरफ का रोड, ये साइड का रोड और नाला का स्थिति देख ही रहे, पानी का निकासी के बारे में कुछ नहीं हुआ है, न तो बम्बार कुछ नहीं हुआ है। तो सड़क की हालत खराब है, उसके साथ ही साथ बता रहे हैं कि नाले का इंतजाम नहीं है। दादा आप क्या कहेंगे? नाला चाहिए। तो विधायक से नहीं कहा आपने? विधायक से नहीं मांग किए थे? तो आप बताइए, अच्छा कि जो बता रहे हैं कि यहाँ पे नाले की भी समस्या है, किस तरह की नाले की समस्या क्या है? देखिए सर, नाले की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है, लगभग 15 सालों से है। यहाँ हमारे चेयरमैन अहमद भाई पहले 2 पंचवर्षीय हुए, उसके बाद वो परेशान होते होते, देखिए उन्होंने मतलब, और चेयरमैन जी भी परेशान हुए, फिर जवाहरलाल हुए, फिर विधायक जी भी आए, लेकिन विधायक जी की कानों में आवाज़ ये गई है मगर यहाँ कभी देखने नहीं आए। वो वार्ड नंबर 2 ढेढ़ा जानते नहीं होंगे कि ढेढ़ा है कहाँ पर। 4.5 साल में नहीं सुने कोई बात? वो यहाँ नहीं आए हैं, उन्हें अगर पूछ लिया जाए, ये हमारा दावा है कि अगर वो वार्ड नंबर 2 ढेढ़ा यादव बस्ती में यहाँ आए हों। अच्छा, विकास की बात करें तो क्या क्या काम किया है, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? विकास देखिए सरकार ने किया है, सरकार दोषी नहीं है, सरकार सारी योजनाओं को दे रही है, जनता सारी योजनाओं का लाभ पा भी रही है, लेकिन जो समस्या मेन है, क्या है मेन समस्या? मेन समस्या यहाँ 15 सालों से जो पानी की है, ये पानी की समस्या न जा रही है और सब प्रयास सभी कर रहे हैं। किस तरह की समस्या है यहाँ पे, जो ये पानी हमें भी दिख रहा है कि ये खेत में आपके पानी भरा हुआ है, ट्यूब दिख रही है, ट्यूब के ऊपर खटिया लदी हुई है, उस पर ये धान काट के ला रहे, क्या है ये मामला यहाँ पर, कैसे ये पानी खेत तक कैसे पहुँचा? क्यों यहाँ पानी पहले निकलता था, यहाँ ये टाउन एरिया, ये जीटी रोड के पास से पानी करीब 15 वर्षों से ये जाम हो चुका है, 15 वर्षों से जाम हो चुका है, अब ये पानी नहीं निकल रहा है। टाउन एरिया भी प्रयास कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, यहाँ के नेता प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अब ये कहाँ कमी है, अब ये सरकार तो विधायक को क्यों दोष दे रहे हैं? विधायक जी को दोष इसलिए दिया जा रहा है कि हम लोग ना उनको पहचानते हैं ना वो हमें पहचानते हैं। ये हम आप खेत में दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे ये एक महिला है जो अपने फसल को काट के लाई है और ट्यूब के ऊपर इन्होंने खटिया रखी हुई है, उस खटिया के ऊपर फसल रखी, किस तरह से इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी दिक्कत होती है इन्हें फसल काटने में। जी बताइए, कैसे परेशानी होती है यहाँ? सर बहुत परेशानी होती है फसल काटने में, और एक ही फसल होता है, गेहूँ होता नहीं है, पानी निकलता ही नहीं है, करें क्या? पानी निकलता था। अच्छा, ये फसल आप कितनी देर में काट लें, कितनी परेशानी होती है, घुटने पर से ज्यादा पानी है यहाँ पे, कैसे लाती हैं? अभी ये ट्यूब से ला रहे हैं, काट काट के, एक टाइम काट रहे, एक टाइम फैला रहे हैं। पानी में दिक्कत होती है? पानी में बहुत दिक्कत होता है, जोक लग रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, आज 15 दिन हो गया इतनी, सिर्फ इतना काटते करते। तो इसके लिए विधायक वगैरह से बातचीत आप लोगों ने नहीं की? विधायक हमने कभी देखा ही नहीं, तो क्या बात, कभी आए ही नहीं। ये एक माता जी भी हैं, ये भी बता रही हैं, आप बताइए कि क्या आप कह रही हैं, आपको किस तरह, आप भी अभी फसल काट के निकली हैं वहां से, तो इधर आप इधर इधर देखिए, इधर घूम जाइए, इधर घूमिए, इधर, हाँ, अब बताइए कि कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होते भैया, इतना दिक्कत होते, कमर दर्द कर लागत है, फैलाई 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा में कुल हालत गंभीर हो जाते, बीमार हो जाते, दवाई सुई करी नहीं तो फिर आई खेते में, इतना परेशानी, चार जान लग कुछ नहीं होते, एक फसल बहुत आधा तीहा एक खेते में से निचरत है, आधा तीहा नहीं पाई तो एकदम बेकार हो जाते, ये जान ले कुछ नहीं है, बहुत यहाँ दिक्कत होती है, इतना दिक्कत होता कि जेकर हद ना है। ठीक है, आप बताइए कि आपने बता रहे हैं 15 साल से ये समस्या है, तो इसको लेकर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई?
आवाज हर जगह उठाई गई, टाउन एरिया ने भी प्रयास किया, विधायक जी किए कि नहीं किए हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारी टाउन एरिया ने प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अच्छा, आप कोई गीत भी बनाए हैं इसको लेकर, बताया जा रहा है कि अपनी समस्या को लेकर उठती है तो गीत, क्या गीत है, पीड़ा है, कष्ट है, हमारी सरकार हमको मदद पहुंचा रही है लेकिन हम अगर हम तक नहीं पहुंच पाए, हम ना पाए तो हमें तकलीफ तो होती ही है। तो हमें भी आप बताएंगे कि कौन सा गीत आपने बनाया अपनी समस्या पे, पीड़ात्मक गीत है, कैसा है गीत? दो पंक्ति है, नेताओं से है, तकलीफ है। अरे कहाँ गई ले वादा तनी, नेताजी बताई दे, खेतवा के पानिया में घाट बनाई दे, खेतवा के पानिया में घाट बनाई दे, भैया विधायक जी अरे कुछ न कही पावले, चाचा जवाहिर रह गए फाइल लगावले, कहाँ गोदी में खेला उबला हम का जिताई दे, खेतवई के पानिया में। इसके पहले, इसके पंचवर्षीय से पहले जो यहाँ के सांसद जी थे वीरेंद्र जी, उन्होंने यहाँ आकर के कहा था हम लोगों के सामने, समक्ष पूरे हंडिया के समक्ष कहा था, सांसद वीरेंद्र जी है बहु समझाए, दहिया के भेला से में चुनावा चटाए, अरे का भाई बनई दे वही नाला कहाँ गेहूँ आ बिकाई दे, तलवई के पानिया में, खेतवई के पानिया में घाट बनाई दे। सबका प्रयास व्यर्थ हो चुका है, हमारा एक ही निवेदन है माननीय योगी जी से कि हमें आप लोग धन दौलत मत दीजिए, यही एक समस्या हमारी पहुंचा दीजिए। क्या है? कुछ नहीं चाही बस रमनवा, ऊंचे असनवा बैठे योगी सुगनवा, अरे इतना संदेशा योगी जी के पहुँचाई दे, तो हरे किसनवा के दिल मुरझाई गे, तो हरे किसनवा के। लॉकडाउन में योगी जी, अरे जैसे जैसे बचाया जिंदगी बसिया भेजाई के, वैसे ही बचा दे सुगना हंडिया के आई के, वैसे ही बचा दे सुगना प्रयाग के आई के, वैसे ही बचा दे योगी पानिया से आई के। तो ये किसान हैं जिनका दर्द है और उन्होंने गीत के जरिए अपने दर्द को बयां किया है। विधायक जो हैं उनसे काफ़ी नाराजगी है, लोग इनका आरोप है कि विधायक ने इनकी सुनी नहीं, और जिसका नतीजा है कि ये जो यहाँ के खेत हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, और ऐसे ही पानी में डूबे हुए खेत में इनको काम करना पड़ता है। तो किसानों का जो दर्द था उसको इन्होंने अपने गीत के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि इनकी मदद की जाए। मनीष पालीवाल, ईटीवी भारत, प्रयागराज।